गुरुजी, अभी अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के जो समाचार आ रहे हैं, सुबह से आप उसके लिए प्रार्थना करें, उनके स्वास्थ्य के लिए, और जाप करें, तो अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं अटल जी के इस दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि अटल जी जैसा अटल नेता मिलेगा नहीं। वो कार्य यदि अगर हम याद करते तो आज सब कुछ जीरो हो गया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने दो सांसदों के ऊपर चलाई, करीबन 50 साल संसद में उन्होंने एक किया कार्य किया, 3 बार प्रधानमंत्री रहे देश के। जब उन्होंने 13 दिन का सरकार बनाया तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर मैं ही वही आऊंगा, मैं जाता नहीं मैं आता ही हूं। ऐसे अटल विश्वास के अटल जी थे, और उनके लिए मैं सुबह से महामृत्युंजय जाप कर रहा हूं, और अब मैं उनके चिराई आत्मा को शांति मिले ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। देश में सभी उनके अनुयायियों को, कार्यकर्ताओं को उनकी प्रेरणा शक्ति मिले और गहरे दुख को निभाने की शक्ति दे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी, वैसे तो आप बहुत बार वाजपेयी की जी से मिले हैं, तो ऐसे कोई यादगार क्षण जो आप अभी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जब 84 में 85 में जब उनका 61 करने का था, तब माननीय उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री राम नाईक जी, ये मुंबई के अंदर एमएलए थे और अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा की थी कि अटल जी की ये अटल एक हम भी एक अटल होके उनके 61 में 61 लाख की एक पूंजी उनको हम पार्टी के लिए देंगे। और उन्होंने शिवाजी पार्क पर एक ऐसा विराट भाषण किया था जिससे पूरे देश के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी कि जहां देखो जहां अटल जी, जहां देखो जहां अटल जी, ऐसा अटल जी का वो एक अनुभव रहा जिसमें उनका भाषण सुनने लिए खुद बाला साहेब ठाकरे जी भी आए थे कि एक ऐसा नेता जिसका भाषण सुनने के लिए बच्चा बच्चा दौड़ के आया, ऐसे ही अटल जी फिर कहीं हम सुनाई नहीं देंगे। गुरुजी, दिग्गज नेताओं से लेके कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी तो अभी इनके निधन के बाद आपका क्या कहना है? उनकी कितना फर्क पड़ेगा सब कार्यकरों के बीच में? उनकी प्रेरणा सदाई कार्यकर्ताओं में रहेगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, इनका तो वो स्रोत ही थे, और मुझे ऐसा विश्वास है कि जब नरेंद्र भाई जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब अटल जी को उन्होंने इतना प्यार किया था कि उनका स्रोत ही वो थे, उनकी इतनी सराहना की कि जो आज भी नरेंद्र भाई यदि अगर इस समय अपने कमरे में बैठे होंगे तो भी उनकी याद में, उस याद में आज भी आंख से आंसू गिराते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उनको जो प्रेरणा उनको मिली वही पूरे देश के कार्यकर्ताओं में मिली, और हमारे में भी उनकी चेतना मिली
जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए प्रयत्न किया, जब उन्होंने राम मंदिर के लिए किया, जब उन्होंने पूरे देश में आडवाणी जी के साथ जो सफर की, वो 65 साल की सफर आज कभी भुला नहीं जाता है। वो प्यार अटल जी थे। गुरुजी, अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत रत्न भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे, तो उस बारे में आप कोई यादगार क्षण आप हमारे साथ शेयर करेंगे? 2014 में जब उनको भारत रत्न का अवार्ड जाहिर हुआ, और सुबह मैंने पहले पहले न्यूज़ में मैं सुना उनका कि भारत रत्न का उनको ऐलान हुआ है, तब मेरा मन में बात करने के भी मेरे में नहीं थी कि मेरे अटल जी के लिए भारत रत्न का ये हुआ, तो मुझे बहुत उसका गर्व हुआ था। और इसी दरमियान जब अटल जी के इस भारत रत्न का ये हुआ ऐलान, और 2014 के बाद 2009 में जब वो व्हीलचेयर पे आ गए, उससे बीच में जब उनके घुटने का ऑपरेशन किया दादर में डॉक्टर लाड ने, तब हम देखने गए थे, तब उन्होंने बोला, स्वामी जी अटल जी अटल है और दोनों घुटनों पे चलेंगे, ये उनकी यादगारी आज भी मेरे दिल में है। शुश्रूषा हॉस्पिटल दादर में उनका ऑपरेशन डॉक्टर लाड ने किया था, और वो यादगारी आज भी मेरे हृदय में घर करके बैठी है। तो अभी हम लोगों ने जगत गुरु सूर्याचार्य जी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव देह को श्रद्धांजलि की प्रार्थना करते हुए सुना। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ऐसी हम सबकी प्रार्थना।